इस चांद पर अपनी शिल्पकला की अनूठी छाप से लोगों को आकर्षित करने वाले देश भर के शिल्पकारों के संगम के बीच मंगलवार को जागृति पार्क माधव नगर में कटनी के स्टॉन व मार्बल को बढ़ावा देने 20 दिवसीय कटनी स्टॉन आर्ट फेस्टिवल आदरशिला का गरिमाया शुभारंभ किया गया। उक्त कार्यक्रम में विधायक संदीप जायसवाल, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष राम रतन पायल ने जागृति पार्क में आयोजित मुख्य समारोह में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पीताम्बर टोपनानी भी मौजूद थे। शुभारंभ कार्यक्रम में विधायक जायसवाल ने कटनी के स्टोन को पहचान दिलाने के लिए प्रारंभ किए गए आदर्शशिला आयोजन की सराहना की। इसके पहले कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कटनी स्टोन के प्रमोशन के लिए आयोजित किए जा रहे आदर्शशिला कटनी आर्ट फेस्टिवल के विषय में विस्तार से बताया। इसे सहायक कलेक्टर अंजलि रमेश ने 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस आयोजन की रूपरेखा के विषय में जानकारी दी। इसमें कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा देश भर से कटनी के स्टोन व मार्बल में अपनी कला उकेरने आए शिल्पकारों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर शिल्पकारों ने भी कटनी के स्टोन पर अपने अनुभव बांटे। कटनी सैंडस्टोन और मार्बल पूरी देश में ही नहीं दुनिया में फेमस है। इसको एक वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, इसको और बढ़ावा देने के लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना जो कलाकार हैं, जो स्टोन पे काम करते हैं, देश के सभी प्रसिद्ध कलाकारों को एक मंच दिया जाए, वो यहाँ आएं और अपना कलाकृतियों को उकेरें सैंडस्टोन और मार्बल पे। इसी सोच के साथ इस कार्यक्रम को सोचा गया और आज इसका शुभारंभ किया गया है। कलाकार हमारे बीच में आ चुके हैं और अगले 20 दिनों तक वो कलाकृतियों को उकेरेंगे जागृति पार्क के मनोरम एक दृश्य के अंतर्गत, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा कार्यक्रम सफल होगा। अंत में 26, 27, 28 को हम इसका एग्जीबिशन और ऑक्शन भी करेंगे और इसके मध्य में विभिन्न कार्यक्रमों को भी आयोजन किया जा रहा है। आज शुभारंभ में माननीय विधायक जी के मुख्य आतिथ्य में इसका समापन किया गया और मीडिया बंधुओं को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आज उनका काफ़ी सपोर्ट रहा और भविष्य में भी बना रहेगा, यही मेरी आशा है। धन्यवाद। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।